देश बिजली के बड़े संकट की चपेट में जाता दिख रहा है। राज्यों ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है तो पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां भी ग्राहकों से सोच समझकर बिजली खर्च करने को कह रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये स्थिति कैसे बन गई, इसका देश की इकोनॉमी और आप पर क्या क्या असर पड़ सकता है, इसे हम सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्यों है ये बिजली संकट। दरअसल हमारे देश में करीब 72% बिजली की मांग कोयले के जरिए पूरी की जाती है। कोयले से बिजली उत्पादन के बाद कंपनियां इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक को सप्लाई करती हैं। इसके एवज में कंपनियां अपने ग्राहकों से यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लेती हैं। अब आखिरकार इसकी असली वजह क्या है? दरअसल देश में कोयले की कमी आ गई। इस कमी की वजह खपत का बढ़ जाना है। अगस्त 2021 से बिजली की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगस्त 2021 में बिजली की खपत 124 बिलियन यूनिट यानी कि BU थी, जबकि अगस्त 2019 में खपत 106 BU थी। ये लगभग 18-20% की वृद्धि है। खपत क्यों बढ़ी है ये भी आपको बता दें। दरअसल खपत बढ़ने की कई वजह है। सबसे पहली वजह अनलॉक की प्रक्रिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब देश की इंडस्ट्रियां लगभग पूरे तरीके से काम कर रही हैं, इसका अब विस्तारीकरण हो रहा है। इसके अलावा सरकार का दावा है कि सौभाग्य कार्यक्रम के तहत 28 मिलियन से अधिक घरों को बिजली से जोड़ा गया था और ये सभी नए उपभोक्ता पंखे, कूलर, टीवी आदि जैसे उपकरण खरीद रहे हैं। इस वजह से भी बिजली की खपत बढ़ी है। गर्मी की वजह से खपत को बूस्ट मिला है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अचानक संकट आया कैसे। दरअसल ये संकट अचानक नहीं है, पिछले कई महीनों से हालात ठीक नहीं है। दरअसल भारत में कोयले की स्टोरेज सीमित अवधि के लिए, बिजली संयंत्रों में कोयले का औसत स्टॉक 3 अक्टूबर 2021 को लगभग 4 दिनों के लिए था। हालांकि ये एक रोलिंग स्टॉक है। कोयला खदानों से थर्मल पावर प्लांट तक हर दिन रेक के माध्यम से कोयला भेजा जाता है। एक तथ्य तो ये भी है कि अगस्त और सितंबर के महीनों में कोयले वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई थी, जिससे इस अवधि में कोयला खदानों में कम कोयला बहा रहा है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। हालांकि खपत के मामले में भी हम कुछ कम नहीं है। यही वजह है कि भारत कोयला आयात करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि सरकार कोयले के आयात में भी कमी लाने पर जोर दे रही है। हालांकि इसके बावजूद कोयले का आयात बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका तात्कालिक उपाय कोयले के आयात और बिजली खपत में कमी का है। इसके अलावा देश में कोयले का उत्पादन को बढ़ाना होगा, वहीं वैकल्पिक एनर्जी की ओर भी तेजी से रुख करना होगा। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं है। बहरहाल इस संकट का पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां महंगे दाम पर कोयले की खरीदारी करेंगी तो वसूली का जोखिम भी उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। मतलब ये कि बिजली के दाम महंगे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको प्रति यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। वहीं त्योहारी सीजन के दौर में बिजली का संकट देश की इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। कोरोना के झटके से उभर रही इकोनॉमी में सुस्ती आ सकती है। दरअसल बिजली संकट की वजह से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलीवरी समेत वो सब कुछ प्रभावित होगा जो इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज होते हैं। इसका असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर महंगाई से जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं कोयले के आयात बढ़ने की वजह से सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि भारत के व्यापार में आयात डॉलर में होता है, इसलिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी कमी देखने को मिल सकती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर जाने के बाद अब लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 637.477 अरब डॉलर है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं होते। अब इस मामले में आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल कोयले के स्टॉक का प्रबंधन करने और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने 27 अगस्त 2021 को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया था। इसमें MOP, CEA, POSOCO, रेलवे और कोल इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। CMT दैनिक आधार पर कोयले के स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है। इसके साथ ही बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कोल इंडिया और रेलवे के साथ फॉलोअप कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।